और सुनाए आप लोग कैसे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, माशाल्लाह से हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो इस वक्त मैं बनाने लगी हूँ सालन, चिकन टिक्का रोटी मसाला बनाने लगी हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरे साथ रहिएगा। चले फिर बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन है तकरीबन 1.25 किलो करीब, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और एक और दही डाल दिया फेंट के, और ये है चिकन टिक्का बूटी मसाला, तो ये डाल दिया इसमें, ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे। और ये है टमाटर एक अदद और एक हरी मिर्च, तो अब इसको ना कर लेते हैं मैरिनेट। लहसुन डाल दिया, लहसुन अदरक डाल दिया, मसाला डाल दिया, दो इसको कर लेते हैं मिक्स, और उसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए, आधे घंटे बाद इसको पकाएंगे। और हाफ इसमें लेमन भी जाएगा, ये लेमन ये भी जाएगा इसमें, ये भी डाल देती हूँ। और ऑयल भी जाएगा, ऑयल भी डालते हैं। ऑयल भी डाल देती हूँ, एक चम्मच के करीब। अब इसको कर देते हैं मिक्स, और मिक्स करके रख देते हैं आधे घंटे के लिए। हाथ में अच्छी तरह वॉश कर लिए, तो हाथों से मिक्स करूँगी और रख दूँगी, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, अंदेश का धो के ऊपर रख दिया, और जितने में चिकन मैरिनेट होती है उतने में रोटियाँ बना लेती, तवा मैंने ऊपर रख दिया और एक रोटी बेल ली, बाकी पेड़े बना लिए, और फिर ये बना के और पेड़े बना लूँगी, तो फिर बना लेती हूँ रोटी रोटियाँ। तो चलें फिर रोटियाँ, जितनी देर में रोटियाँ बनाती हूँ उतनी देर में चिकन मैरिनेट हो जाएगी, तो फिर बना लेती हूँ रोटियाँ। रोटियाँ जैसे कि आप देख सकते हैं तैयार हो चुकी हैं, रोटियाँ मैंने बना ली माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं। रोटियाँ हो चुकी हैं मेरी तैयार, अब रख लेते हैं जल्दी से सालन ऊपर, उनको लपेट के रख देते हैं। मिर्च का मैंने ऊपर रख दिया है, शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल डाल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ज़्यादा जाएगा इसमें, ये 2 अदद प्याज काटी मैंने दरमियानी से, ये डाल देते हैं इसमें, मानी रही मैरिनेट हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, तो जैसे प्याज ब्राउन हो जाता है फिर डाल देते हैं टमाटर, लहसुन और फिर डाल देंगे चिकन, जैसे मैंने आपको दिखाया टमाटर लहसुन मिर्च काटेंगे, जैसे प्याज ब्राउन हो सकते मिर्चे उनको, जैसे आप देख सकते हैं प्याज हो चुका ब्राउन, अब डाल देते हैं चिकन इसमें, लहसुन आग कर देते हैं हल्की, कर देते हैं मिक्स। इसमें थोड़ा सा डालते हैं पानी, साथ लगा हुआ ना उसको भी हटा के लगा, बीच में डाल देते हैं। तो कर देते हैं मिक्स, और फिर इसको दे देते हैं ढक्कन, और इसको दरमियानी आँच पर बंद करके रख देते हैं, ताकि इसका पानी भी सूख जाए और ये गल भी जाए, ये दही के पानी में गल जाएगी, इसमें पानी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं अब डालना बस, और इसको ढक्कन देकर रख देते हैं, तो जब भी पानी सूख जाएगा फिर इसको इसकी भुनाई कर लेंगे।
अभी जितना पानी मतलब हम ग्रेवी रखना चाहें रख लेंगे। पानी जैसे कि देख सकते हैं सूख गया, अब इसकी कर लेते हैं भुनाई खूब अच्छी तरह। फिर जितना पानी हमने मतलब ग्रेवी रखनी होगी हम रख लेंगे। इसमें ऑयल कम लग रहा है तो ऑयल और डाल देती हूँ। माशाल्लाह इतना ऑयल डाला फिर भी इतना कम लग रहा है। बिस्मिल्लाह मेरे ख्याल में भुनाई के बाद ऊपर ऑयल आ जाएगा। मैं थोड़ा और डाल देते हैं। चप्पल टेबल के नीचे, हाँ हाँ उस कमरे में सफाई की ना तो मैंने टेबल के नीचे रखा। देखें ऑयल ऊपर आ रहा है, अब डाल देते हैं इसमें दो हरी मिर्चें। डाल देते हैं इससे जायका अच्छा हो जाएगा। इसकी अच्छी तरह भुनाई रखते हैं। देखा ऑयल ऊपर आ रहा है माशाल्लाह से, ऑयल काफ़ी डाला है। अच्छी तरह कर लेते हैं भुनाई, कितना डाल देते हैं अपनी पसंद का मतलब ग्रेवी रख लेते हैं। जितना पानी डालने डालने हैं थोड़ा ही डालेंगे कम बिल्कुल। ये टिक्का मसाला बोटी जो है ना, ये मतलब हम इसको मैरिनेट करके कोयलों पर भी बना सकते हैं, सीखों का मतलब। और ऐसे सालन भी बना, सालन ही बना लेते हैं तो सीखों में बना लेंगे। सीखों में बनाने वाला भी है हमारे पास, मतलब जैसे बनाते हैं ना वो भी। चलो फिर बुनाई करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे जब तैयार हो जाते। आप देख सकते हैं सालों में चुका हमारा तैयार, पानी बिल्कुल बिल्कुल कम। फ्लेम कर देती हूँ बंद, और जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से डिश आउट कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन टिक्का बोटी मसाला हमारा हो चुका तैयार माशाल्लाह से। देखें डिश आउट कर लिया मैंने, बस बिल्कुल माशाल्लाह से बिल्कुल फ्राई जैसे किया हुआ है और बस ऑयली ऑयल नज़र आ रहा है। ये भी आप इसमें देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। चलें फिर रोटियाँ तो जैसे कि आपको पता बना चुकी हूँ मैं, भी खाते हैं खाना। तीन से चार बंदे को खाना खाना हमने, बस मैं रमशा और अंबर और शमरोज आया हुआ है, हम चार बंदे खाएंगे। तुम्हारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। ये भी देखें, ये भी है, ये भी है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने बना लिया अपना सालन तैयार कर लिया चिकन टिक्का बोटी मसाले का, तो सालन हो गया तैयार और रोटियाँ भी बना ली मैंने। तो अब सबको खाना देती हूँ, साथ हम मैं भी खाती हूँ। तो मुझे दें इजाज़त, अपना अपने पैरों का रखें ख्याल। फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग में किसी नए रूटीन के साथ। उस हद तक लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। जहाँ रहें खुश हैं, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।